सपा सांसद की फिर फिसली जुबान। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने की कही बात। एक यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू के दौरान कही ये बात। पहले भी कई विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे सांसद एसटी हसन। अपने विवादित बयानों को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन इस बार जुबान फिसलने को लेकर चर्चा में हैं। एक इंटरव्यू के दौरान सांसद एसटी हसन जोश जोश में भाजपा को ही यूपी विधानसभा चुनाव में जिताने की अपील कर डाली। सांसद का यह वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो एक यूट्यूब चैनल के इंटरव्यू का बताया जा रहा है जो बुधवार को हुआ था। सांसद कह रहे हैं कि इस नाजुक दौर में मुस्लिम पूरा एतिहाद हो गया है। हम इस बार सिर्फ उसको ही जिताएंगे जो भाजपा को जिता सकता है और सिर्फ उसे जिताएंगे जो प्रदेश में सरकार बना सकता है। यह पहली बार नहीं जब इस तरह के बयान को लेकर सपा सांसद एसटी हसन सुर्खियों में आए हैं। इससे पहले वह कभी राष्ट्रगान भूलकर तो कभी अभिनेत्री जयापर्दा पर अपद्र टिप्पणी कर चर्चा में रही। दरअसल ताजा मामला मुरादाबाद का है जहां पर बुधवार को एक यूट्यूब चैनल ने उनका इंटरव्यू किया था जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वह वीडियो में कह रहे हैं कि इस नाजुक दौर में सभी मुसलमान इसका एहतियात बरत रहे हैं कि हम अपने वोट बटने नहीं देंगे। हम सिर्फ जिताएं तो बीजेपी को जिता सकते हैं और सिर्फ उसे जिताएं जो प्रदेश सरकार बना सकते हैं। अब जहां तक सवाल इस बात का कि वोट में तब्दील हो, इस नाजुक दौर में मुसलमान को पूरी इस बात की एहतियात कर रहा है वो कि हम अपने वोट को ना बांटें। हम सिर्फ उसको जिताएं जो बीजेपी को जिता सकता है। हम सिर्फ उसको जिताएं जो उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकते हैं। सांसद ने अपने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जुबान फिसलने के कारण ऐसा मुंह से निकल गया। इस तरह किसी की भी जुबान फिसल सकती है, इसलिए इस भूल के गलत मायने नहीं लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सवाल ये था कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी विधानसभा चुनाव में मुसलमान मतदाताओं पर कितना असर डाल सकती है। इस पर उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों की हितैषी है तो भाजपा को हराने वाले पक्ष में खड़े हो। बता दें कि इससे पहले 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान भी सांसद एसटी हसन की जमकर और समय गिरगिरी हुई थी जब वह राष्ट्रगान बीच में ही भूल गए थे। वहीं कोरोना महामारी के दौरान बेतुका बयान देकर भी वह चर्चा में आए थे। कोरोना तौते और अयास तूफान की तबाही के बाद उन्होंने केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता दिया था। उन्होंने कहा था कि कानून बनाकर शरीयत से छेड़छाड़ की गई है, इसके बाद ही देश में कोरोना के कारण हजारों लोग मर रहे हैं और आसमानी आफत भी आ गई है। नीचे वाले इंसाफ करता तो ऊपर वाले इंसाफ करता है। वहीं 2021 की शुरुआत में सांसद एसटी हसन ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर भी विवादित बयान दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा चुनावों में फायदा लेने के लिए मंदिर का चंदा लेने वालों लोगों पर पथराव करवा सकती है। हसन ने कहा था कि भाजपा प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद करार चुनावों में फायदा भी ले सकती है जिसमें कुछ बिके हुए मुस्लिम उसका साथ देंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी एसटी हसन ने जयपर्दा पर बेहद अशोभनीय टिप्पणी कर सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था और यह केस मुरादाबाद एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चला था। सांसद एसटी हसन की आवाज़ के सैंपल से ही पुष्टि की गई थी कि उन्होंने ही जयपर्दा पर बेहद अभद्र टिप्पणी की थी।